आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेले की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। 6 किलोमीटर तक रंगू को ठेला निकला। सरसैया घाट पर गंगा आरती के बाद समाप्त हुई कानपुर की होली। और आज भी वैसे शीतला अष्टमी का त्योहार है। देश भर में कई जगहों पर आज भी होली खेली जाती है और माताएं बहने शीतला माता की ठंडे पकवान के साथ पूजन भी करती हैं। आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों को भी शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अगले लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। वैसे आपको बता दूं आने वाले 25 मार्च को सीएम योगी के कार्यकाल 2.0 का पहला साल पूरा होने जा रहा और इस मौके पर सभी जिलों में प्रभारी मंत्री सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे और पीएम मोदी से भी मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने अयोध्या और काशी को लेकर भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अच्छा बड़ी खबर देखिए। योगी जी आपने ये अच्छा किया। बीजेपी के आलोचक कांग्रेस नेता भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैन हो गए और सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत किया। दरअसल वो फैसला ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है कि अब जो हिंदू नववर्ष आ रहा ना चैत्र नवरात्रि के मौके पर दुर्गा सप्तशती रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा प्रदेश भर के सभी जिलों में। यूपी में रामनवमी पर रामचरितमानस का पाठ भी होगा और नवरात्रि में योगी सरकार दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कराएगी। इसके लिए योगी सरकार ने हर जिले को 1-1 लाख रुपए का फंड भी भेजा है और हर जिले में अखंड रामायण पाठ भी कराया जाएगा। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि 1-1 लाख देने से क्या होगा, कम से कम 10-10 करोड़ रुपए तो देने चाहिए थे। इस संबंध में अखिलेश का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। वैसे हाल ही में आपको पता होगा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जब उत्तर प्रदेश आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की थी। नितिन बोले कि जब जब धरती पर अन्याय होता है तब तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं और दुष्टता को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। सज्जनों की रक्षा के लिए दुर्जनों पर प्रहार, नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण से मुख्यमंत्री योगी की तुलना भी की। अच्छा बड़ी खबर आ रही दोस्तों। देखिए अपराधियों में किस तरह का खौफ मंडरा रहा। रास्ते में एनकाउंटर कर देगी यूपी पुलिस। लखनऊ ले जाते समय बंदी ने 1.5 घंटे हंगामा किया। योगी सरकार के आने के बाद अपराधियों और माफियाओं में यूपी पुलिस का डर इस कदर बैठ गया। इसका जीता जागता मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई में देखने को मिला। हरदोई जिला जेल में एक बंदी अपनी पत्नी पर तेजाब डालने के आरोप में पिछले 11 महीने से जेल में बंद है और बंदी की किडनी खराब होने की वजह से उसका समय समय पर डायलिसिस होता है और अभी इसे जब डायलिसिस कराने के लिए एक मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था तब इसने हंगामा किया कि मुझे पहले लिख कर दो कि रास्ते में गोली नहीं मारोगी। यूपी में एनकाउंटर से डरा कैदी पुलिस के साथ डायलिसिस के लिए जाने से भी इनकार कर दिया। मतलब माहौल देखिए उत्तर प्रदेश का। अपराधियों में खौफ वाकई में इस कदर होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में उमेश पाल कांड के मसले पर भी यूपी पुलिस ने जैसे ही नजर आए 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया और बाकियों की तलाश भी अभी जारी है और इससे पहले भी कई बड़ी बड़ी हस्तियों को एनकाउंटर करके ठोक दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, तो इतना डर तो जायज है। वैसे उमेश पाल हत्याकांड पर कुछ और अपडेट आ रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। यूपी टाउनशिप पॉलिसी को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। मुख्यमंत्री योगी ने शहरीकरण पर दिया जोर और कहा कि एक ही जगह मिले सारी सुविधाएं। सीएम ने पार्कों के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशन और पर्याप्त पार्किंग लगाए जाने की भी बात कही और साथ ही जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है उनको शहर के विकास से जोड़ने की भी बात की है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर ये चर्चा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अच्छा बड़ी खबर आ रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवरात्रि के मौके पर वाराणसी रोपवे का शिलान्यास कर सकते हैं। इससे काशी विश्वनाथ की राह आसान होगी। आने वाले 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन शिलान्यास कर सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि हमें सिर्फ योगी और मोदी से उम्मीद है। लखनऊ में शिया महासम्मेलन में बोले, पिछली सरकारों में हमारे साथ ज्यादती हुई है और अभी हमें मोदी योगी से उम्मीद है। अच्छा बड़ी खबर है दोस्तों, एक नया नियम लागू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों की अब बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। योगी सरकार के मंत्री कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों और शिक्षकों के कर्मचारियों की हाजिरी अब बायोमेट्रिक एंड की फिंगरप्रिंट अटेंडेंस के जरिए लगानी जरूरी होगी, है ना। और वही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, काशी विश्वनाथ के स्पर्श के लिए नहीं देना होगा शुल्क। मंगला आरती की फीस 500 रूपए, भोग आरती के लिए आपको 300 रूपए देने पड़ेंगे। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश के इस जिले में मिनी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 600 मरीज सामने आए। 26 मेडिकल हालत के चलते हॉस्पिटल में भर्ती भी हुई है और वो जिला दोस्तों कानपुर। मिनी कोरोना कहे जा रहे हांगकांग इन्फ्लुएंजा ने मंगलवार को कानपुर में हाहाकार से मचा दिया। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 600 मरीज चपेट में आए। हेलट और उर्सला में इन्फ्लुएंजा के मरीजों का लगातार तांता लग रहा। आप भी सावधान रहिएगा प्लीज, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, है ना। अच्छा मैं देखिए एजुकेशन पर एक और अच्छी खबर
रही उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 13 नए मेडिकल कॉलेज, MBBS की 1300 सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। और इस संबंध में यूपी मेडिकल एजुकेशन काउंसिल की ओर से जानकारी दी गई है। बड़ी खबर है, नोएडा जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग में होगा इन्फ्लुएंजा के मरीजों का इलाज, इसके लिए आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मौसम पर अपडेट आ रहा दोस्तों। आज भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया IMD की तरफ से। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन बादल छाए रहेंगे उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में। हालांकि लखनऊ और नोएडा में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। बाकी कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 17 मार्च तक बदली बारिश का सिलसिला देखने मिलेगा, जिसमें ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य शामिल हैं। अच्छा, उमेश पाल कांड पर कुछ बड़े अपडेट आ रहे, देखिए आप। बरेली सेंट्रल जेल के VIP स्पेस में होती थी मुलाकात और यहीं पर बनाई गई उमेश की हत्या की प्लानिंग। अब रडार पर है इसके अफसर और कर्मचारी भी। हालांकि कल ही सरकार ने फैसला लेते हुए जेलर और डिप्टी जेलर समेत 5 लोगों को तो निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और देखिए बड़ी खबर, अतीक के बेटे ने खरीदे थे 16 मोबाइल और 16 सिम कार्ड। साइस्ता ने सूत्रों को दिए थे 1,00,000 रुपए। व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत होती थी ताकि कॉलिंग ट्रैक ना हो पाए। वहीं अतीक के गुर्गे फहद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात का ठोस आधार नहीं कि छूटने पर अपराध नहीं करेगा फहद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बाहुबली अतीक अहमद माफिया सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य फहद उर्फ वसी उर रहमान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। और अभी उमेश हत्याकांड के 5 सूत्रों पर 5,000,000 का इनाम घोषित कर दिया। पहले जो 2,50,000 इनाम था उसको भी बढ़ा दिया, 5,50,000 कर दिया। और अतीक का करीबी बल्ली पंडित अरेस्ट हो चुका। मर्डर से 5 दिन पहले हिस्ट्री सीटर से भी मिली थी साहित्या, ऐसी भी खबर है ना। और मैं देखिए अगली खबर दोस्तों, कानपुर पुलिस लाइन में एक बार फिर से वकीलों और पुलिस कांस्टेबल के बीच झड़प देखी गई। पुलिस कर्मी के साथ पेशी पर आया था मुलजिम, मारपीट करने वाले वकीलों पर FIR भी दर्ज हुई। अच्छा, अगला अपडेट है, शिक्षा राज्य मंत्री से सवाल पूछने पर पत्रकार गिरफ्तार हो गया। कामकाज का ब्यौरा मांगा था, पुलिस ने मारपीट कर केस दर्ज किया, हथकड़ी भी पहनाई। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पत्रकारिता के दृष्टिकोण से क्या सवाल पूछना गलत बात है? क्या मंत्रियों से उनका हिसाब किताब नहीं पूछ सकता एक आम आदमी? जरा सोचिए। हाँ, पत्रकार को ये कहा जा सकता था कि RTI के जरिए आप प्रोसीजर लगा करके अपना जवाब जानो, लेकिन इस तरह की मारपीट करना, हथकड़ी पहनाना, केस दर्ज करना, ये तो गलत है यार। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, पीलीभीत में रंग लगाने पर सिख ने निकाली तलवार, भीड़ से मारपीट के दौरान उतर गई पगड़ी, थप्पड़ भी मारे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में आलू के सर्वाधिक पैदावार वाले जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही। 80% कोल्ड स्टोरेज फुल है, खेतों में आलू के ढेर लगने लगे। मंडी में सरकारी रेट से कम पर खरीद रहे आढ़तियां, जबकि यूपी सरकार ने 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू का समर्थन मूल्य तय किया हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देखिए एक अनोखे किसान की कहानी। एक पेड़ पर इन्होंने 300 से ज्यादा किस्म के आम उगाए हैं, एक ही पेड़ पर। यहाँ तक कि स्वाद, पत्ते, खुशबू सभी आमों की वैरायटी के अलग अलग हैं। इनका नाम है कलीमुल्ला। ये बोले कि मैं मरने से पहले PM मोदी को ये फॉर्मूला बताऊंगा। वैसे ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, 7वीं फेल है, और इन्हें आम का डॉक्टर कहा जाता है क्योंकि एक आम के पेड़ पर, एक आम के पौधे पर 300 वैरायटीज के आम लगाना तो मतलब वैज्ञानिकों के लिए भी कठिन काम है जो इन्होंने कर दिखाया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमृतसर से कोलकाता जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस में TTE ने महिला पैसेंजर के ऊपर टॉयलेट कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद यात्रियों ने TTE को खूब पीटा, रेलवे ने बर्खास्त भी कर दिया और खबर है कि अब इसकी नौकरी भी जा सकती है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, प्रदेश में H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर 3 एक्सपर्ट्स ने राय दी है। लखनऊ में विशेषज्ञ बोले कि पैनिक न हो, बस अलर्ट रहे, रैंडम सर्वे के भरोसे जाँच चल रही है। KGMU के OPD में रोजाना 50 मरीज H3N2 के पहुँच रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, प्रयागराज में 315 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। PW ने उपहार में दिया गृहस्थी का सामान, मंत्री नंदी ने दिया नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी। बड़ी खबर आ रही है, लापरवाही पर जल निगम XEN के निलंबन के निर्देश। मिर्जापुर में नमामि गंगे के प्रमुख सचिव ने निरीक्षण किया, हर घर जल योजना में लापरवाही देखी गई। अच्छा, वही देखिए, मेरठ में अचानक गैस का रिसाव होने से 2 लोग बेहोश हो गए। विवाह मंडप में रखे रसायन में बनी गैस हवा में फैल गई, मौके पर जांच में जुटी टीमें। बड़ी खबर है, बदायूं की जामा मस्जिद मामले में अब कोर्ट में 23 मार्च को सुनवाई होगी। दोनों पक्षकारों ने प्रार्थना पत्र के जल्द निस्तारण की मांग की और आपत्ति की दाखिल भी की। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, अलीगढ़ के गांधी पार्क की घटना देखिए, बची हुई मिठाई खाने से 36 लोग बीमार हो गए। अलीगढ़ के डोरे नगर में शादी समारोह था, सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर आ रही है, ATM का क्लोन बनाकर महिला के खाते से पैसे उड़ा दिए, साइबर ठगों ने 64,000 रुपए निकाल लिए खाते से। ये घटना दोस्तों औरैया के अछलदा थाने के गांव एली निवासी उमा कांति पत्नी ब्रह्मचारी ने बताया कि 2 साल पहले उसके बेटे रोहित की सड़क हादसे में जान चली गई थी और सड़क दुर्घटना बीमा का क्लेम
उसके बचत खाता संख्या केनरा बैंक औरैया में आया था और जब वो पैसे निकालने गई तो पर्ची नहीं निकलने की वजह से उसको पता नहीं चल सका और बाकी शेष राशि देखने के लिए अकाउंट बैलेंस देखने के लिए वह बैंक शाखा पासबुक लेकर गई तो पता चला कि और उसके एटीएम से 64,000 रुपए निकाले गए जबकि वो महिला ने खुद नहीं निकाले थे। इस तरह से आए दिन लोगों के साथ धोखाधड़ी होती रहती है। प्लीज बैंक वगैरह की चीजों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें। अपना एटीएम किसी भी अनजान शख्स के हाथों में ना दें वरना आपको डुप्लीकेट एटीएम दे सकते हैं और आपके एटीएम के जरिए धोखाधड़ी चोरी हो सकती है ना। और इन बातों का तो जरूर ध्यान रखें कि कभी भी आपके आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी वगैरह ये सोशल मीडिया पर कभी किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही, 7 अधिकारियों व 32 कर्मचारियों का वेतन रोका गया। अलीगढ़ में सीडीओ के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले कर्मचारी, तत्काल हुई कार्यवाही। बड़ी खबर है, देश के टॉप 10 अस्पतालों की लिस्ट में बीआरडी हॉस्पिटल भी शामिल हो चुका है और उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात तो ये है दोस्तों कि टॉप 10 इंडियाज हॉस्पिटल लिस्ट में यूपी के 7 अस्पताल हैं। गोरखपुर जिला अस्पताल भी टॉप 10 में शामिल हुआ और ये पूरे प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि डेली यूपी न्यूज चैनल पर आपको हमेशा काम की और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की डेली खबरें अपने मोबाइल पर मिलते रहेगी, ठीक है ना। तो लाइक शेयर तो कर दिया होगा आपने, सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन भी दबा देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए आप, 164 राजस्व गांव में हुए कार्यों की रिपोर्ट अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिए, कैशबुक कंप्लीट न होने पर डीपीआरओ को फटकार भी लगाई। बलिया जिले में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने ये रिपोर्ट सौंपी, आदेश दिए मतलब। बड़ी खबर देखिए, प्रयागराज में मिले टीबी के 240 नए मरीज, 1,300,000 घरों में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संदिग्ध लोगों के मरीजों के सैंपल लिए। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, फीस न देने पर काटे छात्रों के बाल, टीचर ने परीक्षा देते समय 2 बच्चों के सिर पर उस्तरा चलवाया और इसके बाद अभिभावकों ने हंगामा भी किया। बागपत के एक प्राइवेट स्कूल की ये घटना है। बड़ी खबर आ रही, दिव्यांग जनों के लिए 15 से 18 मार्च को कैंप लगने जा रहा। सामाजिक संस्था के द्वारा निःशुल्क कृत्रिम अंग और उपकरणों का भी वितरण किया जाएगा इस कैंप में। कानपुर के सामाजिक संस्था के द्वारा ये दिव्यांग जनों को निःशुल्क उपकरण और कृत्रिम अंग वगैरह दिए जाएंगे। 15 से 18 मार्च तक शहर के अलग अलग जगहों पर संस्था के द्वारा कैंप लगाकर दिव्यांग जनों को ये जरूरत के हिसाब से उपकरण दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके आस पास पड़ोस में कोई दिव्यांग रहता है तो उनको आप ये बात की जानकारी जरूर बता दीजिएगा प्लीज, अगर किसी एक का भी भला हो, फायदा हो तो अच्छी बात है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, जेलों में लगेंगे 1200 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे। जेल मंत्री बोले, मुलाकात में मनमानी पर होगी कार्यवाही, बॉडी वार्न कैमरों से मजबूत की जाएगी। वहीं आने वाले 25 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा योगी सरकार 2.0 का पहला कार्यकाल पूरा होने का संपूर्ण दिवस। 6 साल 6 दिन के हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान वो अपनी सरकार की उपलब्धियां खुद भी बताएंगे। बड़ी खबर आ रही, बलिया में लगा पशु आरोग्य मेला, चिकित्सकों ने की 200 पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, पशुपालकों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। अच्छा, मैं देखिए, आयुर्वेद आज के समय की जरूरत है। बुलंदशहर में आयोजित आयुर्वेद पर्व में बोले वक्ता, 3,000 रोगियों को मिली फ्री सलाह भी। बड़ी खबर है, भदोही में महिलाओं और बालिकाओं को बांटे सैनिटरी पैड, स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। डीएम ने सामर्थ फाउंडेशन की मदद से ये पहल की। अच्छा, मैं देखिए, उन्नाव में 70 साल की हथिनी की हुई मौत, काफी समय से बीमार थी, अनारकली इनका नाम था। बड़ी खबर है, लकी ड्रा के नाम पर भी एक और फ्रॉड हुआ। देखिए फ्रॉड का नया तरीका, सिद्धार्थ नगर साइबर सेल ने कराया वापस 43,200 रुपए का ये फ्रॉड हुआ था। लकी ड्रा के नाम पर एक व्यक्ति से 43,200 रुपए का फ्रॉड किया गया। इसकी सूचना पीड़ित ने साइबर सेल को दी तो उसके बाद कार्यवाही करते हुए उसके खाते में राशि वापस भेजी गई। ऐसे किसी भी लकी ड्रा या लकी लॉटरी वगैरह के जहाँ से मैं आप ना फंसे है ना। बड़ी खबर देखिए, नियमित साफ सफाई के प्रति लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसीओ ने कॉन्ट्रैक्टरों के साथ बैठक कर दी चेतावनी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बैठक में ये चेतावनी दी गई। बड़ी खबर देखिए, मुजफ्फरनगर में पशुओं को जहर देता एक आरोपी रंगे हाथ दबोच गया। मारपीट कर पुलिस को सौंपा आरोपी, मुर्दा मवेशी ठेकेदार का बेटा भी नामजद हुआ। मुजफ्फरनगर के एक गाँव में पशुओं को जहर देता हुआ एक बदमाश रंगे हाथ दबोच लिया गया। खबर है कि एक दूसरे गांव में भी जहर दिए जाने से एक गाय और एक भैंस की मौत हो गई। ये इनको जहर देते ताकि इनकी मौत हो जाती, फिर इनकी स्मगलिंग करते हैं। बड़ी खबर देखिए, बलिया में आग लगने से 7 झोपड़ियां जलकर हुई राख, 3 मवेशियों की मौत हुई, सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर गाँव में अज्ञात कारणों से लगी आग में 4 परिवारों की 7 झोपड़ियां और उनमें रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, 1 अप्रैल से 15 जून तक होगी गेहूं की खरीद। जौनपुर में 80 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। किसान भाई लोग 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी पर अपनी गेहूं बेच सकेंगे। वैसे योगी सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है कि सरसों, चना और मसूर की फसलों को भी अब जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदा जाएगा। किसान भाई लोगों की काफी लंबे समय पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, औरैया में आंखों के लिए कैंप लगाया गया। स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंप लग रहे हैं। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह शुरू हो चुका है, 18 मार्च तक मनाया जाएगा ये विश्व ग्लूकोमा सप्ताह। तब तक आप भी चाहें तो अपनी आंखों का चेकअप करवा सकते हैं, आंखों के प्रति लापरवाही ना रहे ना। बड़ी खबर देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रख सकते हैं पीएम मोदी। काशीवासियों को मिलेगी 1400 करोड़ की सौगात, स्वास्थ्य विभाग ने पीएमओ को भेजा आमंत्रण। अच्छा, लखनऊ में आरटीओ कार्यालय की रिपोर्ट में बड़ा
खुलासा सामने आया कि 75% गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट फेल हुआ। लखनऊ में 18 दिन में 5000 गाड़ियों का फिटनेस लटका। बड़ी खबर आ रही, जिले के अस्पतालों में बनेगा आइसोलेशन वार्ड। इन्फ्लुएंजा के नए वायरस H3N2 को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। जनपद जिले के अब सभी सरकारी अस्पतालों में H3N2 के अलग से वार्ड बनाए जाएंगे। अच्छा मैं देखिए, श्रावस्ती जनपद ने भी लू से बचाव के लिए प्रशासन ने कसी कमर। 20 मार्च से परिषदीय विद्यालयों में दिखाई जाएगी कार्टून फिल्म। अंबेडकर नगर में 10 बेड का ट्रॉमा सेंटर बनकर हुआ तैयार। जल्द स्वास्थ्य विभाग को होगा हैंडओवर। 1,19,00,000 में हुआ निर्माण। अच्छा मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही, दिव्यांग सर्टिफिकेट वितरण कैंप का आयोजन होने जा रहा। 20 और 21 मार्च को कैंप लगाया जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस में DM से भी ये मांग की गई थी। अच्छा वहीं इटावा के ऐतिहासिक पच नद के संगम पर बनेगा डैम। IIT रुड़की ने ड्रोन से शुरू किया सर्वे। योगी सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृति दी थी। अच्छा बरेली मंडल में 3 जिलों में 3,328 लड़कियों का विवाह संपन्न हो गया। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और DM ने कन्यादान देकर विदा किया। अच्छा वहीं एक गुड न्यूज आ रही, ग्रेटर नोएडा में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क। हीरा नंदानी ग्रुप के CEO ने अथॉरिटी को लिखा पत्र। बड़ी खबर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विज्ञान संस्थान के 4 शोध छात्रों को मिलेगी PM रिसर्च फेलोशिप। साल के इस फेलोशिप और ट्रेनिंग के लिए लगभग सालाना 2,00,000 रुपए अनुसंधान अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। बड़ी खबर है, युवक के सिर पर चढ़ गया कार का पहिया। हेलमेट ने बचाई जान। स्कूटी सवार भाई बहन को चालक ने मारी टक्कर। फरीदाबाद की यह घटना है। हेलमेट अवश्य लगाए दोस्तों, जब भी गाड़ी वाहन व्हीकल चलाए दो ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर भूल गए हो नहीं किया तो। ठीक है ना, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।